तो अभी इसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसके जो कल हमने एक डिज़ाइन किया था इसके ऊपर, तो इसको एक एड की सूरत कैसे बना सकते हैं, एक वीडियो एड की तरह ये कैसे चलेगा। तो ये करने के लिए हमें पहले इसके अंदर जो है ना एनिमेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो एनिमेशंस कुछ इस तरह से ऐड करनी पड़ेंगी कि आपको जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ठीक है ना। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एनिमेशंस के यूटिलाइजेशन के लिए कुछ यहाँ पर मामला को देखना पड़ेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे अब हमें किस तरह से इसको एनिमेट कराना है। एनिमेशन के दो मोड हो सकते हैं, एक तो ये कि हम सबको एक साथ एनिमेशन करा लें, और दूसरा मोड ये हो सकता है कि एक ही हिस्से को हम एनिमेट करें। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को एनिमेट कराएं, यानी कि पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए या एडमिशन की डिटेल आए या फिर इस चीज़ को हम दिखाएं, तो उस चीज़ को हम इसके ऊपर पहले से फोकस करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे एडमिशन 2024। तो पहले हम इसके शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्लिक करके, जो ये बैकग्राउंड पे आ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको विजिबल करते हैं। तो एक एनिमेशन हम इसको देते हैं फैड की, ये देखिए इस तरह की फैड एनिमेशन अप्लाई होगी। अब फैड एनिमेशन जब इस पर अप्लाई होगी, तो यहाँ पर देखिए कि आपने यहाँ से खोल के रखना है एनिमेशन पेन। तो इसका नाम था रेक्टेंगल, जिसको अभी मैंने एनिमेशन दिया, ये जो बना हुआ है ना इसके पीछे ये वाला हिस्सा, इसको रेक्टेंगल का नाम दिया हुआ है, तो इसको रेक्टेंगल। अब इसका एक प्रॉपर नाम रख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि किस चीज़ को एनिमेशन कहाँ पे देना है। तो सिलेक्शन पेन पे चले जाते हैं, तो ये रेक्टेंगल आ रहा है ऊपर से, देखिए ये वाला ही रेक्टेंगल है, ये वाला है, इसका नाम रख लेते हैं ब्लू बीजी ग्लास। ठीक है, ये ब्लू बीजी ग्लास हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कौन सा रेक्टेंगल है जिसको भी हमने सेलेक्ट किया है, तो ये इस पर देखिए न्यू लिखा हुआ है, न्यू वाला रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं न्यू। ठीक है, फिर इस पर क्लिक करके ये वाला कौन सा है, तो इसका नाम रख लेते हैं होसे, यानी ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक करके कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, तो कॉलेज, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो आ रहा है वो आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका नाम कहते हैं आईटी। फिर उसके बाद इधर क्लिक करते हैं तो नीचे वह कहाँ चला गया, अभी किसको सेलेक्ट कर रहा है, अभी ये इसको सेलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं एड्रेस। और इसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो किसको सेलेक्ट कर रहा है, ये सेलेक्ट कर रहा है, ये इसको लिख लेते हैं हम कॉन्टेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं डबल वेव के ऊपर, तो ये हम लिख रहे हैं एडमिशन शेप एडमिन। ठीक है, और फिर यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये टैक्स आ रहा है, तो टैक्स एडमिन रख देते हैं सर, टैक्स एडमिन, ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने। और फिर डायग्राम पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमारा पीछे जो डायग्राम बना हुआ है, यानी कि स्मार्ट आर्ट, ठीक है। और इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो ये फिर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो इसका नाम रख दिया हमने राशि। ये सबके नाम हमने सिलेक्शन पैन में जाके रख लिए, ताकि अब एनिमेशन जब इस पर लगाएंगे तो वो इजीली हमें समझ में आ जाएगी। अब एनिमेशन में जाएंगे और एनिमेशन पैन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपका जो एनिमेशन है वो ब्लू ग्लास पर है। कितनी देर में एनिमेशन परफॉर्म होगा, मैंने इसका ड्यूरेशन 1 सेकेंड रखा और प्रीव्यू करके देखा, तो ये इस तरह से 1 सेकेंड में अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद अगला इफेक्ट इस पर लगना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया इसको, और क्लिक करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको एक लगाया, इसको इफेक्ट अप्लाई इन करके फ्रॉम लेफ्ट साइड किया इसको, और साथ साथ इस पर भी क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसको भी फ्लाई इन किया और फ्रॉम राइट साइड कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से होगा, तो अब एनिमेशन कुछ इस तरह से चलेगी, पहले ये ऐसा होगा फिर ये से आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इनकी जो स्पीड है वो हम उसकी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन भी 1 सेकंड पे हम रखते हैं, और जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा जल्दी पे रखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के मामला यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अब उसके बाद एडमिशन 2024, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे जो कोर्सेज के डिटेल्स हैं, तो वो हमें यहाँ पे देने हैं, तो इस पर क्लिक करके पूरे पे सेगमेंट पे एक एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं, मोर एनिमेशन इफेक्ट खोल लेते हैं यहाँ से क्लिक करके। या डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जिसमें, जैसे स्पाइरल इन इफेक्ट है तो इस तरह से है, फ्लोट इन इफेक्ट है तो इस तरह से है, पिन व्हील इफेक्ट है तो इस तरह से काम करेगा, कर्व अप है, बाउंस है, ठीक है, और फिर सर्वाइवल है, तो यहाँ बूमरंग है, तो ये देखिए इस तरह से काम करेगा, स्क्रेच इफेक्ट्स है इस पर से काम करेगा, स्पाइनर है, राइज अप है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट काम करेंगे, फ्लोट अप है, ठीक है, तो राइज अप इफेक्ट भी अच्छा होता है, इस तरह से काम कर रहा है, देखिए इस तरह से। अब राइज अप इफेक्ट जब हमने इस पर लगाया, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, ऑल एट वंस या ऑल एट वंस या वन बाय वन, वन बाय वन कर देते हैं, फिर देखिए ऐसा आएगा, एंड देन वन एंड देन टू एंड देन थ्री एंड देन फोर, इस तरह से ये फंक्शन करेगा। उसके बाद इसके ऊपर एक और इफेक्ट करना है कि ये थोड़ा सा इसके बाद शिमरिंग भी करे, तो एड एनिमेशन में सेकंड एनिमेशन यहाँ से लगाएंगे और उसको यहाँ पे जाके हम इसको इफेक्ट देंगे, सपोज भी टीथरिंग का, तो ये इस तरह से फिर टीथरिंग भी करेगा। ठीक है, यानी कि पहले ये काम कर लेगा फिर ये इस तरह से काम करेगा, तो ये प्रीव्यू करते हैं यहाँ पे, तो ये आप देखेंगे प्रीव्यू में कि पहले ये चलेगा और फिर ये इस्तेमाल करेगा, फिर ये आएगा, फिर ये इस पर लगेगा,
ये इस पे लगेगा, फिर ये इस पे लगेगा, ये इस पे लगेगा, और फिर ये इस तरह से परफॉर्म करेगा, और ये फिर इस तरह से सारे आपको परफॉर्म करके बताएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन लगाना है कि भाई ये भी कुछ इसके ऊपर इफेक्टिवली अप्लाई करे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको मोर इंटरेस्ट इफेक्ट पे ले जाते हैं। यहाँ ले जाने के बाद इसको हम यहाँ से अगर हम स्ट्रेच अप पिन व्हील इफेक्ट है या फिर वाइप इफेक्ट है, वाइप इफेक्ट इस तरह से हम इस पर लगा सकते हैं। ये देखिए, तो इसको क्लिक करके ओके करेंगे तो इस पर भी ऑप्शन हमारे मिलेंगे, ऑल एट वंस या बाय पैराग्राफ। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, और अगर हम इसको ऑल एट वंस कर देंगे तो ये इस तरह से काम करेगा, और ऑल करेंगे तो फिर ये इस तरह से। आई थिंक पहले वाला ज़्यादा बेहतर था, ये कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा, तो मैंने वाइप इफेक्ट जो पहले लिया था वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा था। तो यहाँ से लेते हैं, वाइप इफेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो ये वाला मैसेज पर लगाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से अप्लाई होगा, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट इसके इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसकी स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अगर इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1 सेकंड पर रख लेते हैं। अच्छा, ये एक ही पैराग्राफ में लिखा है, इसलिए एक ही साथ ये परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, बाय लेटर पे नहीं हो पा रहा, तो इसका इसको आप यहीं पर रखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं नीचे कि भाई अब हमारा जो है एड्रेस आने से पहले यहाँ पर हम जो है एक कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन लगा दें। तो कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे एम्फेसाइज इफेक्ट्स पर। देखते हैं अगर कोई हमें ऐसा इफेक्ट मिल जाता है जो इसके हमारी रिक्वायरमेंट को फिल कर सके। वेव इफेक्ट है तो ये देखिए इस तरह से वेव इफेक्ट काम करेगा। ब्लिंक इफेक्ट है तो ये इस तरह ब्लिंक करेगा। सी थ्रिंग इफेक्ट है तो ये ऐसे करेगा। शिमरिंग इफेक्ट है तो ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है ना, कलरिंग इफेक्ट है तो ये ऐसे इफेक्ट देगा। बोन श्रिंक है, ये इस तरह से करेगा। ठीक है ना, ऐसे फॉन्ट्स को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सही काम नहीं कर रहा। पल्स इफेक्ट है तो ये पल्सिंग का काम करेगा। तो मैं समझता हूँ शिमरिंग कर दें इसके ऊपर अप्लाई, ताकि नंबर सबको हाईलाइट हो जाए, या वेव इफेक्ट लगा दें तो इस तरह से ये नंबर जो है ज़ाहिर हो जाए। तो शिमरिंग इफेक्ट सही रहेगा, उसको क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इधर आएगा और यहाँ पे क्लिक करके ठीक है। तो ये इफेक्ट इस पे लग गया, और इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके एक एक को तो नहीं लगा सकते, लेकिन इस पूरे को तो ऑल एंड वंस हो रहा है, एक ही साथ इस पे इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये तो इससे बेहतर है फिर कोई और इफेक्ट लगा देते हैं, मोर इंटेंस इफेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं हमारे पास और इफेक्ट है, जैसे कि स्पायरल इन इफेक्ट है। ओके, इसको लगा के देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट यहाँ पे इस तरह से लग गया। और ओके, अच्छा कुछ इफेक्ट्स के अंदर भी मजीद ऑप्शन होते हैं, अगर इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ से इफेक्ट के ऑप्शन आते हैं। ऑल एट वन, बाय वर्ड, बाय लेटर आ रहा है, तो अगर हम इसको बाय लेटर करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से लगेगा। और यहाँ पर भी यही मसला आ रहा था कि इसमें जब हम इसको यहाँ कर रहे थे तो यहाँ पे भी बाय लेटर बाय वर्ड आ रहा है, तो हम इसको बाय वर्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी इफेक्ट्स ऑप्शन में अगर मदर डबल क्लिक करके चले जाते हैं और यहाँ पे ऑल एट वंस कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम यहीं पे डबल क्लिक करके इसको यहाँ से ले लेते हैं बाई लेटर, तो ये देखिए अब बाई लेटर में भी देखिए यहाँ पे एक एक लेटर इस तरह से करके आ रहा है। इसमें कह रहा है हर लेटर के दरमियान में 10% का डिले हो। अगर आप डिले को 50% कर देंगे और उसको ओके करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का मामला भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ये? तो ये भी दो चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे हम इदारे की इंफॉर्मेशन को पुट अप करना चाह रहे हैं, तो इदारे की इंफॉर्मेशन को पुट करने के लिए हम यहाँ पे ये करते हैं कि जैसे कि इदारे का नाम है वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद ही रहे, लेकिन आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे एम्फेसाइज इफेक्ट डाल देते हैं। तो एम्फेसाइज इफेक्ट डालने के लिए मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे अंडरलाइन इफेक्ट है, ग्रो विथ कलर है, शिवरिंग है, कलर पल्स है, कलर पल्स में ये इस तरह से करेगा, टी थ्रिंग इफेक्ट में ये इस तरह से हिलना शुरू करेगा, पल्स इफेक्ट में ये इस तरह से काम करेगा, लाइटिंग इफेक्ट में ये ऐसे करेगा, डार्केन इफेक्ट में ये इस तरह से ऑब्जेक्ट कलर चेंज, ब्रश कलर चेंज। ठीक है, तो इस तरह कलर चेंज कर सकता है, लेकिन कलर चेंज करने में तो हमें ज़्यादा मामला नहीं बन पाएगा क्योंकि वो इतना हो नहीं पाएगा। उस पर स्पिन करा देते हैं, इस पर स्पिन करता रहेगा, ग्रो एंड श्रिंक करेंगे तो ग्रो करेगा।
फॉन्ट कलर चेंज लाइन अप, ठीक है, ट्रांसपेरेंस कर देगा इसको, ट्रांसपेरेंट रीसेचुरेट करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हम देखें इसके ऊपर जो हमारे पास एंट्रेंस इफेक्ट्स हैं, अगर उसको हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये बॉक्स सर्कल है, इसका एक एक्सपैंड इफेक्ट है, ये देखें इस तरह से एक्सपैंड करेगा, तो ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर करेगा, इसको एक्सपेंड करवा लेते हैं, या जूम इफेक्ट है तो वो इस तरह से जूम करेगा, ये ज़्यादा अच्छा है। तो हम जूम इफेक्ट ही सब पे लगा देते हैं बारी बारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके इसको भी हम एक जूम इफेक्ट दे देते हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिया था ना अभी, जूम इफेक्ट ये इधर आ गया, और फिर ये जो है इन दोनों को जो है इन दोनों को यहाँ पे क्लिक करके एक तरह से फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट साइड, और फिर एक करते हैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ फ्लाई इन फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो एड्रेस अब फाइनली एड्रेस ले गया इधर का, तो एड्रेस को भी हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके जैसे क्लिक करते हैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद अच्छा इनको एक और ज़्यादा जैसे एक इफेक्ट है तो उस पर हम ये भी करा सकते हैं कि इदारे के नाम को हम थोड़ा सा हाईलाइट भी दे सकते हैं एडवर्शन में जाके मोर एम्फसाइज इफेक्ट में, जैसे कि ये कुछ इस तरह से हाईलाइट भी करे। तो हाईलाइट करने के लिए जैसे इसके अंदर ब्लिंक है, पल्स है, पल्स करा देते हैं इसको, एंड एनिमेशन देके इदारे का नाम एक पल्स भी कर लेते हैं ताकि वो उधर से जाहिर हो जाए। अब मुस्लिम टाउन में जो एड्रेस है इस पर क्लिक करके हम यहाँ से एक एड एनिमेशन एनिमेशन स्प्रेड दिया हुआ ऑलरेडी इसको इफेक्ट आई थिंक, तो पहले देखते हैं प्रीव्यू करके कैसा चल रहा है, स्प्रेड इफेक्ट उसको दिया हुआ, इसको नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसके टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक करके इसको किस तरह का इफेक्ट दें, तो अब यहाँ पर हम जाके इस पर इफेक्ट देते हैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके, सपोज कोई व्हील इफेक्ट है इसके ऊपर, वाइप इफेक्ट है इसके ऊपर, ये इस तरह का इफेक्ट भी अच्छा है। थोड़ा सा और प्लस करें इसको, डायमंड करें, ब्लाइंड करें, पैड करें, जूम करें, सर्वाइवल करें, एक्सपैंड करें, एक्सपैंड करा देते हैं ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, फ्लोट डाउन करें, रिवर्स रिवॉल्व पेनर वाइज अप स्ट्रेच, ये ठीक है, स्ट्रेच इफेक्ट दे देते हैं इसको। और आप देखते हैं इसका प्रीव्यू, तो ये थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से ऐड के ऊपर ये चीज अप्लाई होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इस इफेक्ट क्रिएट करने के बाद अब इसकी वीडियो जब बनाने की बात आती है, तो अभी तो ये पावर पॉइंट में चलेगा, पावर पॉइंट में भी आप नोट करेंगे जब मैं स्लाइड शो करूंगा तो ये खुद से नहीं चलेगा, मुझे क्लिक या कीबोर्ड से बटन दबाने पड़ेंगे, जैसे मैं ये दबा रहा हूँ, देखें एक बटन, दूसरा बटन, फिर तीसरा बटन, फिर चौथा बटन, फिर पाँचवा बटन, फिर छठा बटन, फिर सातवा बटन, फिर आठवा बटन, फिर नौ, फिर दस, फिर ग्यारह, फिर बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस। तो आपने देखा कि मैंने 23 टाइम्स बटन को दबाया तो जाके ये परफॉर्म हुआ और ये कंप्लीट हुआ। अब सेट करेंगे इसके ऑर्डर को कि कौन सी चीज़ पहले परफॉर्म हो और कौन सी चीज़ बाद में परफॉर्म हो और कौन सी चीज़ एक दूसरे के साथ परफॉर्म हो। तो जैसे हमने कहा ब्लू ग्लास पहले परफॉर्म होगा तो उसको हम करेंगे विद प्रीवियस, क्या करेंगे विद प्रीवियस, उसके बाद एडमिन वाला शेप आएगा तो उसको करेंगे हम यहाँ से आफ्टर प्रीवियस, यानी कि उसके बाद चले, और टेक्स्ट उसके साथ आ जाए तो हम तो करेंगे विद प्रीवियस। फिर टेक्स्ट के बाद स्मार्ट शेप्स पे आ जाते हैं तो ये कैसे परफॉर्म हो, अब स्मार्ट शेप आफ्टर प्रीवियस करेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ एक उसके साथ इफेक्ट है जिसका नाम है जो बाद में उसको चेंज कर रहा है, तो उसको हम क्लिक करके करेंगे आफ्टर प्रीवियस, ये उसके बाद परफॉर्म होगा। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे कह रहा है डोंट डिम आफ्टर एनिमेशन कलर्स टाइमिंग स्मार्ट आर्ट्स वन बाय वन हो रहा है, ऑल एट वंस कर देते हैं और उसको रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखिए फिर ये एक साथ परफॉर्म होंगे, मतलब पहले जैसे वो एक साथ परफॉर्म हो रहे थे, एक एक करके परफॉर्म हो रहे थे, अब ये सारे एक साथ परफॉर्म होंगे, एक एक करके आएंगे पहले और फिर ये एक साथ होंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, एक एक करके थे तो मैंने उनको क्या किया उसके बाद आफ्टर प्रीवियस करके यहाँ डबल क्लिक करके स्मार्ट आर्ट एनिमेशन में जाके इसको ऑल एट वंस कर दिया, पहले वन बाय वन पे था और रिवर्स कर दिया, ठीक है, ताकि उल्टे तरीके से करें। अब ये इसका जो नाम आ रहा है इस पर डबल क्लिक करते हैं,
ये बाई लेटर आ रहा है 50% के डिस्टेंस से आ रहा है। टेक्स्ट एनिमेशन में क्या है, इस पे एज एन ऑब्जेक्ट करे, अब इसमें लेवल पैराग्राफ वगैरह वो भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी कर देंगे हम यहाँ से आफ्टर एनिमेशन। अच्छा, आफ्टर के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आए, तो अगर ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ये नाम दोनों एक साथ चाह रहे हैं तो इसको विद प्रीवियस कर देंगे, ठीक है, और ये अब दोनों एक साथ परफॉर्म होंगे। ये देखिए, ठीक है, अब दोनों की स्पीड में थोड़ा सा फर्क है, तो उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर देते हैं, तो ये 1 सेकंड में हो रहा है, इसको बढ़ा के हम 2 सेकंड में कर देते हैं। अब देखिए, ठीक है, इसकी थोड़ी सी स्पीड को हम जो है तेज कर देते हैं, जो ये राशिद अली लिखा हुआ रहा है, ये 1 सेकंड है, इसको कम करते हैं, 75 पे ले आते हैं। अब देखते हैं, मैं चाह रहा हूँ दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाए ना। थोड़ा सा और कम करेंगे तो ये बिल्कुल एक साथ हो ही जाएगा, तो इसको 75 से 50 पे कर लेते हैं। उसके बाद ये आ रहा है, न्यू न्यू लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके बाद इसको करते हैं आफ्टर प्रीवियस, और आफ्टर प्रीवियस करने के बाद फिर इसके साथ हम अलुसैनी को करेंगे विद प्रीवियस, ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो इफेक्ट उसके ऊपर लगा है, अनुसैनी पे एक इफेक्ट भी लगा है ना, वो फाइनल में लगेगा लास्ट में, तो उसके बाद इसको भी करेंगे हम आफ्टर प्रीवियस, और उसके बाद इसको करेंगे आईटी वाले को विद प्रीवियस, और फिर ये वाला जो इफेक्ट है इसको करेंगे आफ्टर प्रीवियस, तो फिर देखिए कैसे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आखिर में ये परफॉर्म हो रहा है, इसको करेंगे आफ्टर प्रीवियस। अब इसमें एक और चीज़ है, जो ये दोनों है एक ही स्पीड से नहीं आ रहे, मतलब ये इसकी स्पीड टेक्स्ट की और शेप की स्पीड अलग है, तो इसको हमने 1 सेकंड पे रखा हुआ है और उसको 50 सेकंड पे रखा हुआ है, तो इसको भी 1 सेकंड पे कर देंगे और उसको फिर 50 पे ले आए, तो प्रीव्यू करके देख लेते हैं उसको। प्लस में ये वाला एनिमेशन अभी तक क्लिक पे रखा हुआ है, यानी कि स्मार्ट शेफ वाला, तो इसको हमने आफ्टर पे रखना है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इस पर डबल आफ्टर किया था, इस पर डबल क्लिक करके उसका जो पोजीशन था दोबारा चेंज हो गया, ऑल एट वंस ही किया हुआ रिवर्स ऑर्डर में से, ओके कर दें इसको, ठीक है, तो ये सेट हो गया इसके ऊपर, तो ये हमारा अब तैयार हो गया है कि इसको हम एक वीडियो एड की तौर पे बना सकते हैं। अब इसकी वीडियो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं, वो वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ अब माउस क्लिक पे नहीं है, सब ऑटो हो चुका है काम। अब मैं अगर स्लाइड शो भी आपको चला के दिखाऊँ F5 से, तो ये ऑटो चलेगा, मैं कहीं भी क्लिक नहीं करूँगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब हमें यहाँ पे इसको सेट करने की जरूरत है, जो राशिद वाला सेक्शन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये खराब हो गया है, तो यहाँ पे ये हमने क्या किया था, इसको आफ्टर प्रीवियस रखा था और ये फिर से आफ्टर नहीं हो पा रहा है, तो इसको आफ्टर करते हैं और अब देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके अंदर ये इफेक्ट डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे हमने वो, ठीक है, ये हमारा एक ऐड बन गया, अब ऑटोमेटिक काम कर रहा है। अब इसकी वीडियो फाइल कैसे बनाएंगे कि हम किसी को भी सेंड कर सकें सोशल मीडिया पर उस पर, क्योंकि पावर पॉइंट तो और किसी के पास होगा नहीं, फाइल में जाके यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट, और यहाँ से करेंगे क्रिएट वीडियो, और यहाँ पर हमारे पास 4 किस्म के साइज़ आ जाएंगे, स्टैंडर्ड, 720, फुल HD और अल्ट्रा HD। मैं फिलहाल इसको स्टैंडर्ड साइज से बना रहा हूँ, फिर जब हम इसको अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे तो इसको फुल HD बनाएंगे, तो थोड़ा जल्दी बन जाएगी, इसका थोड़ा टाइम लगेगा। क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव करते हैं इसको, तो इससे जो फाइल बनेगी वो बनेगी
MP4 फाइल जो कि वीडियो सॉन्ग्स वगैरह में यूज होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा NAH एड 2024 एडमिशन न्यू, ये एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे ये वीडियो बनाना इसका शुरू कर दिया। अगर 1080 पे बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी रखेगा। यहाँ से हम चले गए डॉक्यूमेंट्स में और जाने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करके हमने लिया वीडियो का ऑप्शन और यहाँ से रिफ्रेश किया। तो यहाँ पर देखेंगे जब हमारा ये वीडियो बनेगा तो क्लियर पर प्ले करेंगे। अब इस फाइल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपको थोड़ा सा एक इशू आ गया कि आखिर में थोड़ी देर स्टे करे एकदम से एंड हो जाता है, तो इस चीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं इसमें थोड़ी देर आखिर में स्टे करेगा। तो ये जो आखिरी इफेक्ट है ना, और इस पे हम यहाँ पे एक लगाएंगे डिले, कितनी देर स्टे कराना है हमें। मिसाल के तौर पे इसको स्टे कराना है हमें 3 सेकंड के लिए आखिर में स्टे करें, तो इसको हम कर देंगे डिले। डिले इसको करें, करके देखते हैं डिले 3 सेकंड के लिए। अब डिले करने से होगा कि वो 3 सेकंड बाद आ रहा है, लेकिन आने के बाद फिर जल्दी से खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा मसला हल हुआ नहीं। ये जल्दी से आ जाए लेकिन वो बाद में 3 सेकंड रुके, तो इसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है। अब इसको देखिए, रोकने का तरीका ये हो सकता है, जैसे हमारी ट्रांजिशन है, अब ट्रांजिशन पे कोई इफेक्ट पहले से लगा हुआ नहीं है, तो या तो हम ट्रांजिशन के जरिए ये काम लें कि हमारा इफेक्ट टोटल कितनी देर का है। तो हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं जो हमारे पूरे इस पे लगेगा, जैसे कि हमने एक इस तरह का ही में एक इफेक्ट लगाया, ठीक है, और इसको हमने आफ्टर पे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड के ऊपर, 10 सेकंड का हमारा एड शो। और इसको फिर किया हमने यहाँ से स्लाइड शो पे, एड हमारा चल रहा है, देखिए कितने सेकंड का है, 15 16। सेकंड का एड है और हम कितनी देर चाह रहे हैं उसके बाद ये 2 3 सेकंड स्टे करे। तो ट्रांजिशंस की जो है इसका जो इफेक्ट है, यहाँ पर हम इसको 25 26 सेकंड पर सेट करते हैं, ठीक है, सेव करके फिर एक दफ़ा फिर से एक्सपोर्ट करके वीडियो बनाते हैं और उसी स्टैंडर्ड पर रख के मैं उसी वीडियो को रिप्लेस कर देता हूँ जो मैंने पहले बनाई थी, ताकि पहले वाले वर्जन के साथ ये रिप्लेस हो जाए। तो वीडियो में चले गए हम यहाँ पे, और अभी हमने जो बनाई थी फाइल, यहाँ से इसी को मैंने सेलेक्ट करके रिप्लेस कर दिया, तो उसी फाइल को ये अपडेट कर रहा है, अलग से नहीं बना रहा, वरना एक वर्जन दूसरा वर्जन तीसरा वर्जन ऐसे भी बना सकते। कंप्लीट हो गया ये, अब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट में चेंज आया या नहीं आया। ठीक है, और तो इस तरह से आप आखिर में डिले भी ऐड कर सकते हैं कि थोड़ी देर बाद में हमारा ऐड रुक जाए, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, वो कैलकुलेट करके कर सकते हैं। अब इस ऐड को हम सोशल मीडिया पे कहीं पे भी वायरल कर सकते हैं इजीली, तो जैसे मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ उसको,
ओके, तो अब ये यहाँ से सैंड होना शुरू हो गया, जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सैंड हो गया आपके पास। अब आपने मोबाइल पे चलाएं, सोशल मीडिया पे डालें, इजीली है, ऐसे ही काम करेगा।